ये वीडियो इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें इसमें से सवाल नहीं आ सकते हैं, क्योंकि 2022 में जो प्रमुख हस्तियों जो गुजर गए उनका पार्ट वन है, 56 लोगों गुजर गए हैं, उनके बारे में जो सवाल बन सकते हैं वहां से हम शुरू करते हैं और चलिए अगले 5-7 मिनट में सारे चीजों को जान लेते हैं। तो पहला जो हम इस पे बात करना शुरू करेंगे वो है मिस्टर कमाल खान, जो NDTV में एग्जीक्यूटिव एडिटर थे और उन्हें रमेश गोयनका अवार्ड जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला हुआ था। इन्हें 61 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। दूसरे हैं मिस्टर पंडित बिरजू महाराज, कौन नहीं जानते हैं, फेमस कथक डांसर। याद रखेंगे इनके घराने से सवाल पूछा जा सकता है, जो है लखनऊ के कालिका बिंदादीन घराने से ये अग्रणी नर्तक थे और ये पद्म विभूषण से विभूषित थे। इनकी मृत्यु जो है 84 वर्ष की उम्र में हुई है। अब आगे चलते हैं, अब आते हैं मिस्टर रमेश देव, चेहरा आपका जान पहचान होगा। 1980 और 90 के दशक में ये छाए रहे, आजाद देश के गुलाम 1990 में, 1989 में घराना और घरवाली बाहर वाली 1988 में ये रहे और इनकी 93 साल की उम्र में हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई। अब आते हैं लता मंगेशकर, सवाल के दृष्टिकोण से देखिए 1980 के बाद से इन्होंने गाना कम कर दिया था और ये एकमात्र ऐसी जीवित व्यक्ति थी जिनके नाम से पुरस्कार दिए जाते थे। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है और इस पे सवाल बन सकता है। इनकी पहली मराठी फिल्म थी किती हसाल, मतलब कितना हंसोगे, 1942 में था। 2001 में इन्हें भारत रत्न से विभूषित किया गया। अब अगले पे आते हैं मिस्टर प्रवीण कुमार सोपती। जी हाँ, ये भारतीय हथौड़ा और डिस्कस थ्रोअर थे और सीमा सुरक्षा बल पे ये तैनात भी थे, लेकिन इनकी सबसे बड़ी जो लोकप्रियता मिली वो महाभारत में भीम के किरदार को इन्होंने निभाया था। ये 74 साल के उम्र में इनकी मृत्यु हुई। अब आते हैं रवि टंडन फिल्म डायरेक्टर के बारे में बात करते हैं, जिन्होंने अनहोनी, खेल खेल में, अपने रंग हजार, ऐसे जो काफी फेमस काफी चर्चित ये सिनेमा का उन्होंने निर्देशन किया था, तो मिस्टर रवि टंडन। अब अगले पे आते हैं मिस्टर राहुल बजाज, वो याद है स्कूटर हमारा बजाज, वो राहुल बजाज बजाज घराने से आते हैं। इन्हें 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 83 साल के उम्र में हुई। अब आते हैं मिस्टर दीप संधु, ये एक भारतीय अभिनेता थे। इनकी जो करियर की शुरुआत हुई थी रमता जोगी से पिक्चर से हुई थी, जिसके निर्माता धर्मेंद्र थे। देखिए, ये एक सवाल बनने की संभावना बताता है। दीप सिद्धू, इनकी रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हुई थी, ये दूसरी सवाल बनने की संभावना बनती है। ये 37 साल में इनकी मृत्यु हुई। अब आगे आते हैं, ये है गीताश्री संध्या मुखर्जी। ये 2011 में भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च सम्मान बंगा विभूषण मिले। ये बहुत सारे क्या कहते हैं गीत को गाई इन्होंने और इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। इनकी मृत्यु जो है 91 साल की उम्र में हुई। इनकी जो सबसे बड़ी चर्चित फिल्म थी जय जयंती और निशी पद्मा। अब आते हैं बप्पी लाहिड़ी के बारे में, बप्पी दा के बारे में कहना क्या है, कौन नहीं जानता बप्पी लाहिड़ी को। ये संश्लेषित डिस्को संगीत का उपयोग किया था इन्होंने 1980 और 1990 के दशक में, फिल्म साउंड ट्रैक में ये सबसे लोकप्रिय थे। इन्होंने बंगाली, तेलुगु, कन्नड़ फिल्म, हिंदी तो किया ही, इसमें सबसे बड़ी सफलताएं दी थी और एक वर्ष में 180 से अधिक गाने का रिकॉर्ड जो है गिनीज वर्ल्ड बुक में इनका दर्ज है। ये कोविड के बाद जो है उनकी कोविड के रिलेटेड प्रॉब्लम्स इनकी मृत्यु हुई। ये 16 फरवरी 2022 की हुई, 69 साल के उम्र में बप्पीदा गुजर गए। अब नेक्स्ट आते हैं, अब है केपीएससी लिथिला लिलिथा।
ललिता सॉरी 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 आई एम ये इनका एक्चुअली बेसिकली जो नाम है महेश्वरी अम्मा, महेश्वरी अम्मा के नाम पे ये मलयालम फिल्म उद्योग के एक बहुत ही फेमस मंच अभिनेत्री थी और इनका केरल में इनका थिएटर कलेक्टिव था और इनकी 74 साल में मृत्यु हुई। अब है हेमनंदा बिस्वाल, ध्यान देंगे हेमनंदा बिस्वाल जो है ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री 2 टर्म के लिए रहे, 1989 के 5 मार्च से 1990 के 6 दिसंबर तक, फिर 1999 के 5 मार्च से 2000 तक। ये उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। देखिए यहाँ एक सवाल बनता है, उड़ीसा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? हेमनंदा बिस्वाल। चलिए अब अगले पे चलते हैं। अब आता है मिस्टर शिव कुमार सुब्रमण्यन, तो ये भारतीय अभिनेता नाटककार थिएटर कलाकार फिल्म और नाटक निर्देशक थे। इनकी जो फिल्म थी जो बहुत फेमस हुई थी टू स्टेट्स, जिसमें आलिया भट्ट के पिता के भूमिका में इन्होंने ये किया था। इनसे कैंसर से मृत्यु हुई 62 साल के उम्र में। एक और भी काफी फेमस है, बहुत सवाल उठने वाले हैं, मिस्टर विश्व दीनदयालन, ये टेबल टेनिस प्लेयर हैं, ये राष्ट्रीय रैंकिंग खिताब और अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीते हुए थे। 27 अप्रैल से ऑस्ट्रिया के लिंज में इनका भारत का प्रतिनिधित्व करना था और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने इनके बारे में बोला था, इतनी छोटी उम्र में बड़े बड़े सपने देखने वाले दीनदयालन की आगे पूरी जिंदगी पड़ी थी। इनका भी रोड एक्सीडेंट में केवल 18 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मिसेस माया आर गोविंद, मेरा पिया घर आया आप तो गले में लाल ताई, मैंने पायल है छनकाई, मैं खिलाड़ी तू अनारी, आंखों में बसे हो तुम, जैसे ये सारे गीत इन्होंने लिखे, ये गीतकार थे। और जैसे मैं खिलाड़ी तू अनारी, टक्कर याराना हम तुम्हारे हैं सनम, ये 800 से अधिक गीत लिखे। 82 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। अब है मिस्टर टी रामा राव, ये निर्देशक और सहायक निर्देशक थे, जीवन तरंगालु, लोक परलोक और दोस्ती दुश्मनी जैसे बहुत सारे फिल्मों को उन्होंने निर्देशन किया। तातीनेनी जयश्री से इनकी शादी हुई थी। अब नेक्स्ट आते हैं मिस्टर सलीम घोष। सलीम घोष जो है वो बेसिकली खलनायक के किरदार को निभाते थे। ये हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और अंग्रेजी फिल्म में इन्होंने ये किया। 70 साल की में उनकी उम्र में उनकी मृत्यु हुई। मिस्टर तरासमे सिंह सैनी आकाताज, ये पॉप सिंगर थे। तरासमे सिंह सैनी जो है ताज स्टीरियो नेशनल और पहले जॉनी जी के नाम से भी जाना जाता था, तो एक जॉनी जी के नाम से जाने जाते थे। ये ब्रिटिश गायक थे, भारतीय मूल के अभिनेता थे। उन्होंने 1996 में पॉप बैंड स्टीरियो नेशन के प्रमुख गायक थे। वो 54 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई। अब नेक्स्ट आते हैं शिव कुमार शर्मा, संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा के बारे में कौन नहीं जानता है। ये एक कश्मीरी लोक संतूर जो है, देखिए एक सवाल यहां से पैदा होता है, संतूर जो है एक लोक कश्मीरी लोक वाद्य होता है। इनका जन्म जो है गायक पंडित उमा दत्त शर्मा के घर में हुआ था। ये पद्म विभूषण से भूषित थे। अब है मिस्टर पंडित सुखराम, ये कांग्रेस के नेता थे और केंद्रीय मंत्री भी थे। भ्रष्टाचार के केस में ये 5 साल की सजा भी काट चुके हैं। 1993 से 96 के बीच में वो संचार राज्य मंत्री थे। 94 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। अब नेक्स्ट आते हैं मूसवाला, देखिए ये बहुत ही फेमस है और ये सवाल बनने का है। इनका मूसवाला का पूरा नाम पूछा जा सकता है। ये सुखदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला कहा जाता था, जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पंजाब सरकार ने जब आपकी सरकार आई तो इनके सिक्योरिटी हटा लिया था। इन्होंने जो सबसे जी वैगन इनका पहला गाना था,
सो हाई, इसमें सेल्फ मेड फेमस वार्निंग शॉट्स जैसे फेमस गाने हैं, और के कृष्ण कुमार कुन्नत, ये प्रख्यात हैं हिंदू तेलुगु मलयालम कन्नड़ और तमिल फिल्मों में गायक रहे। हम दिल दे चुके सनम और तरफ तरफ के, ये जो भावनात्मक गाना है ये इनके द्वारा ही गाया गया था। इनकी 53 साल की उम्र में मृत्यु हुई। अब नेक्स्ट आते हैं समावेशी टाइकून पल्लोनजी मिस्त्री। देखिए 156 साल की इंजीनियरिंग की जो कंपनी थी शापुरजी पल्लनजी समूह पालनजी समूह का, 2016 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से विभूषित किया गया था। इनके बारे में मनोज नंबूर की किताब है द मोगल्स ऑफ रियल एस्टेट, ध्यान दीजिएगा द मोगल ऑफ रियल एस्टेट एक बार आ भी चुका है, ये आपका पल्लोनजी मिस्त्री के द्वारा के ऊपर लिखा गया था। मिस्टर तरुण मजुमदार, ये बंगाली सिनेमा के निर्देशक निर्माता लेखक चित्रकार पटकथा लेखक काफी सादा के उनका पास है। ये चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से 1990 में भारत इन्हें दिया गया था। इनके बहुत ही फेमस बहुत सारे पिक्चर हैं, बालिका वधु, कुहेली, श्रीमान पृथ्वीराज, फुलेश्वरी, मैक्सिमम इनका बंगला में है। इनकी उम्र 92 साल में इनकी मृत्यु हुई। अब नेक्स्ट आते हैं मिस्टर भूपिंदर सिंह। ये अपने 50 साल की कैरियर रही जिसमें मोहम्मद रफी, आर डी बर्मन, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बप्पी लाहिरी इनके साथ ये काम किए थे। इनके दो गाने आप भी जरूर सुने होंगे, दो दीवाने शहर में और एक है होके मजबूर उसे बुलाया होगा। इनकी जो है ये कोविड से इनकी मृत्यु हुई, 82 साल की उम्र में थे, इनका 18 जुलाई 2022 को मृत्यु हुआ। मिस्टर दीपेश भान, अगर आप क्या कहते हैं यूपी में है तो भाभी जी घर पर है ये तो आपने सीरियल देखा ही होगा, जिनके ये जो मेन किरदार थे दीपेश भान जी, ब्रेन हेमरेज के वजह से इनको 23 जुलाई 2022 को दीपेश भान ने इस दुनिया से अलविदा बोल दिया। अब नेक्स्ट आते हैं मिस्टर ऋतिक दवे, मिस्टर रसिक दवे। तो रसिक दवे जो है ये कृष्ण के पिता, महाभारत में जो है कृष्ण के पिता नंद बाबा की भूमिका के लिए जाना जाता है। जी हाँ, इनकी जो इसके ऊपर जो रसिक दावे के ऊपर जो सवाल बन सकता है तो इनके किरदार के बारे में पूछा जा सकता है, इसलिए इस पे जरूर नजर रखेंगे। और इनकी पहली जो गुजराती पिक्चर में पुत्र वधू में ये पहली बार इनके आए हुए थे। इनकी इनकी मृत्यु जो है 65 साल की उम्र में हुआ। मिसेस निर्मला शर्मा, पहले वो निर्मला मिश्रा थी, बंगाली फिल्म नहीं उड़िया फिल्मों में भी इन्होंने बहुत सारे जादू बिखेरे। इन सिंगर की जो है बांग्लार माटी चाय, मो मन बीना रा तारे, इस तरह की में इन्होंने गाना गाया। 81 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई। इन्हें सुधाकर बाल कृष्ण दास पुरस्कार से ये सम्मानित हुई थी। अब अगला जो पड़ाव है वो है यही समाप्त होता है, फटाफट मैंने किया। और देखिए इसके पीडीएफ फाइल जो है हमने इसके पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, क्योंकि एक बार वीडियो देखने के बाद 2-3 बार पीडीएफ फाइल पे अगर आप नजर डाल देते हैं तो ये जो 28 हमने क्या कहते हैं हस्तियों के बारे में बताया ये आपके जेहन में रच बस जाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगला वीडियो मैं परसों जो है इसके सेकेंड पार्ट को देने वाला हूं। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।